तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10, दैट इज़ ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। और कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो कि आपकी बुक का टॉपिक वो पॉइंट 3 है, तो फर्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों की लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के अंदर जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी फोरियर सीरीज़ के अंदर, इस तरीके से हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में बात कर रहे हैं कि इफ़ यू हैव एक्स ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा है, एंड देन यू हैव वाई ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल वाई ऑफ जे ओमेगा है, तो अगर आप लोग ए एक्स ऑफ टी प्लस बी वाई ऑफ टी करेंगे तो फिर रिजल्टेंटली फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग के पास ए कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस बी वाई ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग के पास किसी दो इनपुट सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म मौजूद है और आप उनको आपस में ऐड कर रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर, तो उनके रिस्पेक्टिव जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड वर्जनस हैं वो बिल्कुल वैसे ही आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग किसी टाइम डोमेन में किसी सिग्नल किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होगा उसके साथ भी वही फैक्टर उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर, तो इस चीज़ को मैंने कहा था कि लीनियरिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होती है सुपरपोजिशन और एक होती है आपके पास होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये जो एडिशन हो रही है एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी की, जो कि रिजल्ट कर रही है कैपिटल एक्स ऑफ जी ओमेगा प्लस कैपिटल वाई ऑफ जी ओमेगा के अंदर, इसको आप लोग सुपरपोजिशन कहते हो। और जो ए एक्स ऑफ टी का फैक्टर मल्टीप्लाई ए का जो फैक्टर मल्टीप्लाई और एक्स ऑफ टी के साथ, जिसे रिजल्टेंटली फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी आप लोग के पास ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा बनाने के लिए, इस तो आप लोग होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो फिर चीज़ें आपके पास ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज़ द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने फोरियर सीरीज़ में देखी थी, इसके अंदर अभी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग के पास एक्स ऑफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा है, तो अगर आप अपने सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट का मतलब ये है कि आप उसको एडवांस भी कर सकते हैं, उसको आप लोग डिले भी कर सकते हैं, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, उस फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा वैसे का वैसे ही आएगा और उसके साथ एक फैक्टर ई रिस पावर माइनस जे ओमेगा टी ऑफ नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने माइनस टी ऑफ नॉट के साथ सिग्नल को डिले किया था, डिले जो नेगेटिव साइन है वहाँ से पता चल रहा है कि सिग्नल डिले हुआ है, और किस फैक्टर के साथ डिले हुआ है, वो आपके पास टी ऑफ नॉट है, तो सिमिलरली एक्सपोनेंशियल जो ई है उसकी पावर के अंदर भी आप लोगों ने माइनस टी ऑफ नॉट डाला है, जिस पर नेगेटिव साइन डिले को शो कर रहा है और टी ऑफ नॉट वो यूनिट है या वो फैक्टर जिसके साथ आपका सिग्नल जो है वो डिले हो रहा है। सिमिलरली अगर सिग्नल यहाँ पर एडवांस हो जाए तो ये टी प्लस टी ऑफ नॉट हो जाएगा और ई की पावर के अंदर भी प्लस जे ओमेगा टी ऑफ नॉट हो सकता है। ठीक है, तो बस अभी आप लोगों को ये दो प्रॉपर्टीज़ जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे थ्रू एग्जाम्पल। तो आगे मैंने बस वही लिखा हुआ है कि लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिनियरिटी एंड द टाइम शिफ्टिंग थ्रू योर एग्जाम्पल नंबर 4.9। एग्जाम्पल नंबर 4.9 के अंदर उसने बेसिकली इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की इम्प्लीमेंटेशन बताई है, तो वो पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। चले जी, अब ये है मेरी उसी लेक्चर नंबर 10 का पेज नंबर 2 है, जिसके अंदर मैं एग्जाम्पल 4.9 मैंने बताई हुई है। एग्जाम्पल 4.9 के अंदर उसने एक सिग्नल लिया हुआ है एक्स ऑफ टी, और उस एक्स ऑफ टी को बेसिकली अगर आप थोड़ा सा गौर करें और अगर आप लोगों ने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स पहले देखे हैं तो अगर आप तो आपको यहाँ पर दो रेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, सिर्फ आप लोग ये देखें कि जो बड़ा वाला रेक्ट है जो कि 1 से लेकर 4 तक जा रहा है उसकी जो विड्थ है वो 3 यूनिट्स है, और जो छोटा रेक्ट है जो कि 2 से लेकर 3 तक जा रहा है उसकी जो विड्थ है वो 1 यूनिट है। ठीक है, तो जो रेक्ट सिग्नल्स होते हैं उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 2 साइन ऑफ ओमेगा टी 1 ओवर ओमेगा होते हैं, वो हमें अंडरस्टूड हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स के अंदर आप लोग रेक्ट के जेनेरिक फॉर्मूले या जेनेरिक जो फॉर्म निकली होती है उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी रेक्ट का जो जेनेरिक फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सो हम लोगों ने मैंने भी आगे यही लिखा हुआ है, द सेम प्रोसेस कैन बी अडॉप्टेड टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा
of the time domain signal x of t just as we have done or we have adopted for the Fourier series coefficients. ठीक है, सबसे पहले इसकी जेनेरिक फॉर्म देख लेते हैं. जेनेरिक फॉर्म जो है थी इसकी जो हमने निकाली थी दैट वॉज टू साइन ऑफ ओमेगा टी वन ओवर ओमेगा. ये जेनेरिक फॉर्म थी, अगर आप लोगों को नहीं आया तो आप लोग अपने पिछले लेक्चर्स कंसल्ट कर सकते हैं. अच्छा, तो अब सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने अपने जो ऊपर जो रेक्ट सिग्नल ये वाला गिवन था इसको मैंने दो रेक्ट्स की शक्ल में ब्रेक किया हुआ है. ठीक है, एक रेक्ट की शक्ल आप लोगों को कुछ यू नज़र आ रही है और नीचे के कुछ यू नज़र आ रही है. अच्छा, दो रेक्ट्स जो मैंने यहाँ पर ब्रेक किए हुए हैं वो मैंने ध्यान में रखना है कि उन रेक्ट की जो विड्थ है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है. अदरवाइज आप लोगों को फिर स्केलिंग की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो कि मज़ीद चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी. तो मैंने यहाँ पर रेक्ट वैसे ही वही लिया है जिस जो कि मेरी क्वेश्चन की डिमांड थी. क्वेश्चन के अंदर दो रेक्ट्स थे, एक थ्री विड्थ का था एक वन विड्थ का था. तो मैंने एक्स वन ऑफ टी को थ्री विड्थ का लिया है और उसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों साइड्स पे अबाउट ज़ीरो. तो 1.5 एंड माइनस 1.5 इसकी पॉइंट्स आते हैं तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टी वन 1.5 है और दूसरा वाला रेक्ट है उसकी चूँकि विड्थ वन यूनिट थी उसको भी मैंने हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया है अबाउट ज़ीरो. तो मुझे पता चल गया कि वो माइनस 0.5 और 0.5 बनता है, यानी कि इसका टी वन जो है वो 0.5 बनेगा. अब अगर मुझे दोनों के टी वन अलग अलग मालूम है तो वहाँ से दोनों के एक्स वन ऑफ जे ओमेगा और एक्स टू ऑफ जे ओमेगा निकालना तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, चूँकि मुझे इनकी जेनेरिक फॉर्म ऑलरेडी पता है जो कि मैंने ऊपर लिखी भी हुई है. दैट इज़ टू साइन ऑफ ओमेगा टी वन ओवर ओमेगा. बस आप लोगों ने इसके अंदर इनके रिस्पेक्टिव टी वन की वैल्यूज पुट करनी है. टी यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक नहीं है. अभी हम लोग ए पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू साइन ऑफ ओमेगा, टी वन 1.5 डाल दिया ओमेगा और ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल आया. सिमिलरली एक्स टू के इधर भी आप लोगों ने ये काम करना है, आप लोगों ने अपना टी वन डालना है जो कि 0.5 था और वहाँ से आप लोगों के पास एक्स टू ऑफ जे ओमेगा आराम से निकल आएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब मुझे क्या किया मैंने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगाई है. प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी की कैसे लगेगी, जब ये दोनों आपस में सिग्नल एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी आपस में ऐड हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लग जाएगी ना. अगर टाइम डोमेन में ऐड हो रहे हैं तो इनके रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज, क्योंकि जब इनकी एडिशन हो रही है तो ये दोनों टाइम डोमेन में थे ना. जब एडिशन हो रही थी तो ये भी टाइम डोमेन में सिग्नल है और ये सिग्नल भी टाइम डोमेन में है. तो जब इनकी एडिशन हो रही है तो ये टाइम डोमेन का सिग्नल नया निकल रहा है जो कि इस शक्ल का है. तो क्या हो रहा है, उनके रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज, एक ये रिस्पॉन्स निकला हुआ है, ये रिस्पॉन्स निकला हुआ है, ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी हो गई लिनियरिटी की. ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल उनको आपस में ऐड कराया. तो ये देखिए जो रेक्ट सिग्नल्स थे ये जब ऐड हो जाएंगे तो ये सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वन था और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फाइव था. तो 0.5 से 0.5 से 0.5 तक ये जो 0.5 इसकी एम्पलीट्यूड थी जब वो इसकी रेंज में ऐड होगी तो वो वन, चूँकि ये थ्रू आउट वन है तो 1.05 में ऐड होकर यहाँ पर इसको 1.5 की हाइट दे देगा. ठीक है, बट ओनली टिल द रेंज ऑफ दिस माइनस 0.5 से लेकर 0.5, बाकी रेस्ट के लिए वन ही रहेगा. ठीक है, तो बस मैंने वही काम किया कि जाके मैंने इनके जो फोरियर सीरीज कोफिशंट्स थे, सॉरी इनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स थे रिस्पेक्टिव, उनको मैंने आपस में ऐड करा दिया है और ऐड करा के यहाँ से मैंने अपना एक्स थ्री ऑफ जे ओमेगा गेट कर लिया. और यहाँ से एक्स थ्री ऑफ जे ओमेगा क्या हो जाएगा, टू साइन ऑफ ओमेगा थ्री ओमेगा बाई टू हो जाएगा और यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा बाई टू ओवर ओमेगा ओवर टू ओवर ओमेगा हो जाएगा. ये वही दो फोरियर सीरीज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं जो कि ऊपर और नीचे मैंने निकाले थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिख दिया है. बस यही क्या हुआ कि 1.5 को मैंने 3/2 की शक्ल में डाल दिया, 0.5 को मैंने 1/2 की शक्ल में डाल दिया. अब हम लोग आगे अपने पेज नंबर 3 पर, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ. वजह ये है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसके अंदर उसकी ये शक्ल नहीं थी, वो सेंटर्ड नहीं था बल्कि वो शिफ्टेड था. तो बस क्योंकि मैंने अब सेंटर्ड बना लिया हुआ है एक्स थ्री ऑफ टी को, फिर अब मैंने एक्स थ्री ऑफ टी को डिले कर देना है उतना यूनिट्स जितना के मुझे रिक्वायर था. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जो उसका सेंटर था वो मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ था, ज़ीरो पे पड़ा हुआ था, जो कि सेंटर मुझे लेकर आना था इधर यहाँ पे, दैट इज़ 2.5. अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी गलत लिख दिया है, ये टी माइनस थ्री लिखा हुआ है, टी माइनस थ्री नहीं है, टी माइनस 2.5 होगा क्योंकि मैंने अपने एक्स थ्री ऑफ टी सिग्नल को 2.5 यूनिट्स डिले किया है. तो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ.
अच्छा जी, तो अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने x ऑफ t जो सिग्नल था, x3 ऑफ t जो मेरा सिग्नल था, उसको मैंने 2.5 यूनिट्स डिले किया, तो उसकी ये वाली शक्ल बन गया। यहाँ पे अब यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। और शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर मुझे एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी पावर के अंदर मुझे नेगेटिव साइन डाल के अगर जो डिले हो रहा है, और साथ वो फैक्टर डाल देना है जिसके साथ वो डिले हो रहा है। तो चूंकि मेरा 2.5 यूनिट्स डिले हो रहा है, तो मेरा जो भी x3 ऑफ g निकला है, जो कि पीछे भी आप लोगों ने x1 ऑफ जियोमेगा और x2 ऑफ जियोमेगा को ऐड करके निकाला था, वो x3 ऑफ g बना था ना, तो उस x3 ऑफ g के साथ आप लोगों ने e रिज पावर j 5/2 जो कि 2.5 ये बनता है ओमेगा साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास जो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि e रिज पावर j 5/2 ओमेगा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा बाय 2 प्लस 2 साइन ऑफ 3 ओमेगा बाय 2 ओवर ओमेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता था कि अगर आपका सिग्नल, क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा सिग्नल एक ही फैक्टर से डिले हो रहा था, इसलिए मैंने इस पूरे के साथ एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप लोग का सिग्नल जो है वो, यानी कि जो रेक्ट सिग्नल्स थे मेरे, ये वाले ये जो रेक्ट दो सिग्नल्स थे, ये और ये, अगर ये किसी और फैक्टर से शिफ्ट हो रहे होते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर आप लोगों इसके साथ एक अलग एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कराते और इसके साथ अलग एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कराते। क्योंकि मेरे केस के अंदर ये पूरा का पूरा सिग्नल उठ के इधर गया है, इसलिए मैंने इस पूरे के पूरे सिग्नल के साथ यहाँ पर एक अदद ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है जी। ना उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन एंड द इंटीग्रेशन। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो सिंपल ये कहता है कि x ऑफ t का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल x ऑफ j ओमेगा है, तो अगर आप लोग उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होगा, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये होगा कि आप लोगों ने उसके साथ एक अदर j ओमेगा जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब भी आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर याद रखिएगा, j ओमेगा का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो समझ जाएँ कि टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। और सिमिलरली अगर जे वन ओवर जे ओमेगा का फैक्टर मल्टीप्लाई, यानी कि जे ओमेगा अगर डिवाइड हो रहा है कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ, तो समझ जाएं कि आपकी टाइम डोमेन के अंदर जो है सिग्नल के साथ इंटीग्रेशन हुई है, ठीक है। तो जे ओमेगा की मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिजल्ट करती है डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, और जे ओमेगा की डिवीजन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर रिजल्ट करती है सिग्नल की इंटीग्रेशन के अंदर, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल, दूसरे के उलट हैं। सो वहाँ पर जे ओमेगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। चलिए जी, अब हम लोग चलेंगे अपने पेज नंबर 4 पे, जहाँ पर हम लोग अपनी इसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे नहीं, तो आपको भी समझ नहीं लगेगा कि आगे इसको डिफ़िकल्ट केसेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। यह आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 4.11 है, और वो कह रहा है कि x ऑफ t मेरे पास u ऑफ t है, यानी कि मेरे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, और मुझे कहा जा रहा है कि यूनिट स्टेप सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो, ठीक है। अब जबकि यहाँ पर वो कह रहा है कि हेयर वी सपोज दैट वी ओनली नो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा t, जबकि हमें डेल्टा t का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी मालूम था, ठीक है। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मालूम था, अगर हमें वो मालूम है, तो फिर इसका जो स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जब हमें यूनिट इम्पल्स का पता है। अच्छा, मैं क्यों उन दोनों का आपस में रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि दे बोथ ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर। अगर आप लोग यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो यूनिट इम्पल्स बन जाएगा, और अगर यूनिट इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यूनिट स्टेप बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे किसी एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम हो, और वहाँ से अगर मैं उस सिग्नल को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके अपने दूसरे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकती हूँ। यहाँ पर भी यही केस है, यानी कि मुझे अपने यूनिट इम्पल्स जो डेल्टा टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 मालूम है, तो अगर वो मुझे 1 मालूम है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए मैं किस तरीके से अपना जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकती हूँ यूनिट स्टेप का, ठीक है। तो यही सारी बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रिलेशन आपको बता दिया है, वो आपस में मैं सिर्फ तभी निकाल पाऊँगी जब इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो रिलेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही है। इसीलिए हम लोग इसको अंडर दिस प्रॉपर्टी जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपल ये लिखा है कि अगर मैं डेल्टा टी को एक नाम दे दूँ जी ऑफ टी का, ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा टी का क्या होता है, वो 1 होता है, यानी कि कैपिटल जी ऑफ जे ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ मेकिंग डेल्टा टी सच दैट इट बिकम्स इक्वलन टू यू ऑफ टी। अब मुझे डेल्टा टी के साथ कुछ ऐसा करना है कि वो यू ऑफ टी बन जाए, क्योंकि मुझे असल में निकालना तो यू ऑफ टी का है ना,
और वो क्या चीज़ है जो मैं इसके साथ कर सकती हूँ, वो है इसकी इंटीग्रेशन। जब मैं डेल्टा टी को इंटीग्रेट करूँगी तो यूनिट स्टेप बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं। हाँ जी, ये पेज नंबर 5 है जहाँ पर आपके पास x ऑफ t गिवन था, जो कि मैंने बताया आप लोगों के मैंने g ऑफ t, जो कि दरअसल आपका डेल्टा ऑफ t था, उसको मैंने इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने आगे लगा दिया है, और इंटीग्रेशन ये कहती है कि जिस सिग्नल को इंटीग्रेट किया जाए उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अंदर का पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इंटीग्रेट डेल्टा टी कर रही हूँ तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी यही किया है, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा टी ऑफ यू ऑफ टी के बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे मालूम है कि वो क्या होता है, वो आपके पास 1 होता है। तो बस मैंने वही फार्मूला यहाँ पे लगाया है। ये फार्मूला जो मैंने लगाया हुआ है ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है जो मैंने भी पीछे बताया था, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, प्रॉपर्टी है बेसिकली। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालने के लिए मुझे जी ऑफ जे ओमेगा जो कि 1 है, क्योंकि डेल्टा टी मेरे पास जी ऑफ टी है तो उसका कैपिटल जी यानी कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होगा ना। सो जी ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई जी ऑफ 0 ऑफ डेल्टा ऑफ ओमेगा, वेयर वी ऑलरेडी नो जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, ये वही वाली बात की हुई आगे मैंने। इसको बस मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है और सॉल्व करके देखें। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑफ 0 इज इक्वल्स, जी ऑफ 0 को मैंने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया है, और उसकी वजह यह है कि जी ऑफ जे ओमेगा जब 1 है तो जब मैं ओमेगा को 0 पुट करूँ या 1 पुट करूँ या 1000 या 2000 या वट एवर पुट करूँ उसका आंसर 1 ही रहेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पर जी ऑफ 0 को जो ऊपर मेरा फार्मूले में था उसको मैंने यहाँ पे 1 पुट करके यहाँ से अपना एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाला। सो फ्रॉम हियर आई कैन टेल यू कि आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका यू ऑफ टी का वो क्या हो जाएगा, वो 1 ओवर जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। अब देखिए मैंने इसको निकाला किसके थ्रू है, निकाला इसको मैंने अपने यूनिट इम्पल्स के थ्रू है, ठीक है, क्योंकि यूनिट इम्पल्स की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यूनिट स्टेप आ जाता है। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला, अगर मुझे वाइस वर्सा करना होता, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर मुझे यूनिट स्टेप के बजाय यूनिट इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता और मुझे यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होता, ये जो मैंने अभी निकाला है इक्वेशन नंबर 1, तो फिर मैं क्या करती, तो जब रिलेशन मुझे इन दोनों के दरमियान का पता है वो क्या है कि यू ऑफ टी जो आपके पास गिवन है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करूँगी तो डेल्टा ऑफ टी आ जाएगा। अब ये जो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसके साथ मैंने सिंपल क्या कर देना है, जे ओमेगा मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि यू ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो डेल्टा टी बन जाता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन में तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी डोमेन में डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ के इक्वलेंट होती है, जे ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन के इक्वलेंट होती है। तो जो भी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा उसको मुझे सिर्फ और सिर्फ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर ये जो इक्वेशन निकली है ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना आपका, उसका यूनिट स्टेप का, तो बस इसको मुझे जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करा दें। तो जैसे ही आपके पास जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखें कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो डेल्टा ऑफ टी जो कि डी ऑफ यू ऑफ टी ओवर डी ऑफ टी के बराबर है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो जे ओमेगा के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, सॉल्व करने से जे ओमेगा से कट जाएगा और प्लस पाई जे ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सोचने की बात यह है कि ये चीज़ ज़ीरो कैसे हो गई। ये ज़ीरो चीज़ इसलिए हो गई क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा टी जो है, सॉरी डेल्टा ऑफ ओमेगा यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा ऑफ ओमेगा जो है वो वैल्यू देता है 1 ओनली एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो डेल्टा ऑफ ओमेगा जैसे ही ओमेगा को 0 पुट करने पर 1 होता है तो ओमेगा बाहर चूँकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है इसलिए वो 0 की मल्टीप्लिकेशन के साथ होने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल वी आर लेफ्ट विद इज़ ओनली 1, और यही चीज़ हम लोग को पहले भी मालूम थी, ठीक है ना, कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आप लोग का यूनिट इम्पल्स का वो 1 होता है। सो फ्रॉम हियर भी हमने ये चीज़ प्रूफ की है कि आप लोगों इंटरचेंजेबली प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अडॉप्ट करके आप लोग किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आराम से निकाल सकते हैं। अब इसकी एक हम बड़ी एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। अच्छा जी, अब हम लोग आगे अपने पेज नंबर 6 पे, जहाँ पर हम लोग थोड़े से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, जो कि है आप लोगों की लीनियरिटी की, शिफ्टिंग की, और शायद हमें शिफ्टिंग ना ही देखनी पड़े, लीनियरिटी की तो देखेंगे सारा डिफरेंशिएशन की। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स भी देखे हैं, तो आज का लेक्चर ये बड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि देखिए आपके पास यहाँ पर एक अदद स्लोप गिवन है, वो कहता है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो। तो बच्चा ये कहता है चलो यार ठीक है मैं डायरेक्टली इसका वो लगा देता हूँ, फार्मूला लगा देता हूँ।
अगर तो आप इस पर फार्मूला लगाएंगे तो देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पता चलेगा कि इस जो स्लोप, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसकी जो इक्वेशन है वो टी है। टी इसलिए है क्योंकि वो ज़ीरो पे ज़ीरो दे रही है, वन के ऊपर वन दे रही है, और ये माइनस वन पे ये माइनस वन दे रही है, इसलिए इसकी इक्वेशन जो है वो टी है। अगर आप इसको सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले के अंदर डालें तो वहाँ पर एक्स ऑफ टी टी हो जाएगा, यानी कि टी ई रेज़ टू द पावर माइनस जो ओमेगा टी टी टी, तो दो टीज़ हो जाएंगे, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए कंपेयर थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि अगर तो अभी तो इक्वेशन थोड़ी सी आसान थी, अगर इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल होती तो बच्चों से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोग को वो याद ही नहीं होती। अच्छा, तो आप लोग इसका आसान तरीन काम क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपर्टी के थ्रू इंप्लीमेंट कर लें। प्रॉपर्टी के थ्रू इंप्लीमेंट किस तरीके से होगा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि वेन एवर यू हैव एनी काइंड ऑफ स्लोप्स, जो कि जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में गिवन है, तो स्लोप के केसेस में जब भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, प्रॉपर्टी लगानी हो, तो हमेशा अपनी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाएं। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपकी स्लोप को ख़त्म कर देगी, और डिफरेंशिएट करके, क्योंकि ऑब्वियसली जब टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आ जाएगा ना, तो डिफरेंशिएशन के बाद आप लोगों की जो स्लोप है वो ख़त्म होकर आपको वन दे देगी। और जहाँ पर आप लोगों के ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ पड़े हुए, एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी यहाँ पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ से चलें तो एक डिसकॉन्टीन्यूटी नीचे की तरफ जाती है, और ऊपर जाके फिर दोबारा एक डिसकॉन्टीन्यूटी नीचे की तरफ जाती है, तो ये दो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हैं, जब इन्हें आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इम्पल्सिस बन जाएंगी, ठीक है ना। तो ये काम को इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी फर्स्ट डिफरेंशिएट टू सिंप्लीफाई द सिग्नल। तो बस मैंने यहाँ पर वही काम किया है, ये देखें मैंने सिग्नल को डिफरेंशिएट किया है। किस सिग्नल को, मैंने इस सिग्नल को डिफरेंशिएट किया। जब इस सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से दो नए सिग्नल निकलेंगे। दो इसलिए निकलेंगे क्योंकि इसके अंदर स्लोप भी है और इसके अंदर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी भी है, तो जो स्लोप है वो डिफरेंशिएट होकर कॉन्स्टेंट बन जाएंगी, और पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ जो है वो डिफरेंशिएट होकर इम्पल्सिस बन जाएंगी। लिहाजा मुझे उन दोनों को हैंडल करना है, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर स्लोप मैंने लिख भी दिया है कि जब स्लोप होती है व्हेन डिफरेंशिएटेड गिव्स यू द कांस्टेंट्स, एंड व्हेन यू हैव द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़, और जब आप उनको डिफरेंशिएट करते हो तो इट गिव्स यू द इम्पल्सिस। ये हमेशा आपने याद रखनी है। और जो इम्पल्सिस की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरफ है, यानी कि किस डिपेंड से मुराद ये कि यू हैव टू मूव फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आप लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी के लिए आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो इम्पल्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। फिर आप लोग ये स्लोप है, स्लोप पर से गुजरेंगे, गुजरने के बाद फिर आपको नीचे आना पड़ेगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी पर, तो इम्पल्स की डायरेक्शन नीचे होगी। अगर कहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आगे कोई बॉक्स बना होता मिसाल के तौर पर, तो आप लोग उस पर चल के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी में इम्पल्स की शक्ल ऊपर की तरफ होती, ठीक है, जब आप लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन हुई है तो डिफरेंशिएशन के बाद मेरे पास दो सिग्नल्स बन गए हैं, एक एक्स वन ऑफ टी बन गया है और एक एक्स टू ऑफ टी बन गया है। अच्छा जी, एक्स वन ऑफ टी के अंदर अभी वही वाली बात है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ की वजह से इम्पल्सिस आ गई हैं जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और यहाँ पर माइनस वन दिया हुआ है जो कि बेसिकली बता रहे हैं कि वन तो बेसिकली इसका एरिया है, जो नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करिए कि वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और सेकेंडली आपका यहाँ पे क्या है, एक्स टू ऑफ टी, एक्स टू ऑफ टी वन है, माइनस वन से लेकर वन। क्यों माइनस वन से लेकर वन, क्योंकि माइनस वन से लेकर वन तक ही आप लोग के पास सिग्नल की स्लोप आ रही थी जिसकी इक्वेशन थी टी, ठीक है। तो जब वो टी डिफरेंशिएट होगा तो इस रेंज में आप लोग को सिग्नल की वैल्यू दे देगा वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंशिएट होकर आप लोगों ने सिग्नल की वैल्यू कर दी है वन। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैंने अपने इस सिग्नल एक्स ऑफ टी को डिफरेंशिएट किया है तो वहाँ से मेरे पास जो है वो दो नए सिग्नल्स निकले, एक मेरे पास एक्स वन ऑफ टी है और एक मेरे पास यहाँ पर एक्स टू ऑफ टी है, ठीक है जी। जी मैंने डिस्क्रिप्शन दोबारा भी लिख दिया है कि स्लोप टी व्हेन डिफरेंशिएट्स गिव्स वन एंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी एट माइनस वन एंड वन बोथ फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैंने इन दोनों सिग्नल्स को प्रोसेस करना है क्योंकि मैंने अपने सिग्नल को डिफरेंशिएट करके एक नए दो सिग्नल्स बनाए हैं। इसके फोरियर सीरीज, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मुझे ऑलरेडी बड़ी आसानी से पता है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मुझे ऑलरेडी से पता है, ठीक है। सो इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स अलग अलग निकाल के उनको ऐड करके मैं उनको इंटीग्रेट करके वापस ऊपर ले जाऊँगी, तो मेरे पास आंसर आराम से इसका आ जाएगा, इसका जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। चले जी, अब ये है मेरा पेज नंबर सेवन, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखें ये मेरे पास वही रेक्ट सिग्नल है और इसका वही टी वन है, और टी वन अगर देखा जाए तो यहाँ से वन नज़र आ रहा है। जेनेरिक फॉर्म मैंने ऊपर दोबारा लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि टू साइन ऑफ ओमेगा टी वन ओवर ओमेगा होता है। तो यहाँ से मेरे पास, चूँकि मैंने इसको नाम मेरा पेज हिल रहा है, चूँकि मैंने इसको नाम यहाँ पर एक्स टू ऑफ टी का दिया हुआ था, लिहाजा ये एक्स टू ऑफ जे ओमेगा बन जाएगा, जो कि क्या बनेगा, टू साइन ऑफ ओमेगा वन ओवर ओमेगा,
इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन गया टू साइन ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि मुझे मालूम है कि जो डेल्टा टी होता है, आई ऑलरेडी नो दिस थिंग कि जो मेरे पास डेल्टा टी होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वन होता है। तो ये जो मेरे पास दो इम्पल्सिस आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये क्या हैं? ये इम्पल्सिस दरअसल शिफ्टेड वर्जनस हैं। तो शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी मैंने लगानी है, एक्सपोनेंशियल मुझे साथ मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे, क्योंकि इस अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे लगता है कि एक इम्पल्स, अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि ये वाली इम्पल्स एक दफ़ा डाउनवर्ड डायरेक्ट होकर डिले हो गई है वन यूनिट के साथ, और यही वाली इम्पल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ एक दफ़ा एडवांस हो गई है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला सिग्नल बन जाएगा। तो बस मैंने वही काम किया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मैंने सिंपल क्या किया है, इनके वंस तो इनके साथ मौजूद ही थे, हाँ अलबत्त एक्सपोनेंशियल्स डाल दिए इसलिए क्योंकि ये मेरे पास शिफ्टेड इम्पल्सिस हैं, ठीक है। शिफ्टेड इम्पल्सिस के लिए मुझे यहाँ एक्सपोनेंशियल्स लगाने पड़ेंगे। तो e की पावर एक प्लस जे ओमेगा, प्लस का मतलब है कि ये एडवांस हुई थी एक यूनिट के साथ, और ये नेगेटिव साइन इस इम्पल्स की निचली डायरेक्शन की वजह से, और ये नेगेटिव साइन भी इम्पल्स की निचली डायरेक्शन की वजह से। और आगे क्या है, ईरस पावर माइनस जे ओमेगा, माइनस जे ओमेगा का मतलब भी वही है कि आपका सिग्नल जो है यानी कि इम्पल्स जो है वो डिले हुई है वन यूनिट का। अब वन चूँकि साथ लगा हुआ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो साथ लेकिन मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो x2 ऑफ j ओमेगा है वो फाइनल निकलता है माइनस ई रिस पावर प्लस जे ओमेगा माइनस पावर माइनस जे ओमेगा। आगे मैंने कड़ी तसल्ली से डिटेल में बताया हुआ है द नेगेटिव साइन इज़ ड्यू टू द डाउनवर्ड पोजीशन ऑफ द इम्पल्सिस, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब मुझे बड़ी आसानी से ये बात पता चल गई है। अब मैंने इक्वेशन ये लिखी थी ना कि जब मैं ओरिजिनल सिग्नल को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास x1 ऑफ t बनता है और मेरे पास x2 ऑफ t बनता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में जो ये वाला सिग्नल है इसको मैंने नाम दिया हुआ था g ऑफ t का, तो ये g ऑफ j ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो g ऑफ j ओमेगा हो गया, और आगे मैंने इनके वही रिस्पेक्टिव फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो लिख दिए हैं, x1 ऑफ j ओमेगा प्लस x2 ऑफ j ओमेगा। ये मेरे पास x1 ऑफ j ओमेगा था और ये मैं सॉरी शायद x2 था मेरे ख्याल से, जो भी थे खैर कहने मुझसे थी आपने इनको ऐड कर लेना। तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे टू साइन ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा माइनस इस पावर माइनस जी ओमेगा और प्लस जी ओमेगा। तो इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे सिंपल क्या करना है कि मैंने चूँकि शुरू में डिफ्रेंसीशन की थी और डिफ्रेंशिएट करके अपने सिग्नल को आसान बनाया था, अब मुझे उसको वापस इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा ताकि मैं अपने सिग्नल की ओरिजिनल शक्ल वापस गेट कर सकूँ। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट करना है मुझे ये वही डी ऑफ एक्स ऑफ टी ओवर डी ऑफ टी है, जब मैं इसको साथ इंटीग्रल लगाऊंगी तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास खाली एक्स ऑफ टी बच जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि मुझे एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है। ये आप समझ लें कंबाइंड इनको मैंने एक ही नाम जी ऑफ टी अगर दिया हुआ है तो उनको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो ये चीज़ देखिए मैंने बताया कि ये कैंसिल आउट हो जाती है और यहाँ से मुझे इंटीग्रेट करना है जी ऑफ टी को। तो जी ऑफ टी का वो इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है वो मैंने लगाना है, और वो क्या है, वो ये मैंने लिखा हुआ है एक्स ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू द जी ऑफ जे ओमेगा प्लस प्राय जी ऑफ दिस जी ऑफ एन डेल्ट ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो जी ऑफ जे ओमेगा इज समथिंग जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, वो ये है, इसके बराबर है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, जी ऑफ ज़ीरो निकालना है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा जहाँ जहाँ पे ओमेगा है वहाँ वहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका जी ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो ही निकलता है, ठीक है। कैसे ज़ीरो निकलता है देखें, जब यहाँ पे आप साइन ऑफ ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो व ज़ीरो फॉर्म हो जाएगी। आपने क्या लगाना है, इस पर एल लॉपिटल लगाना है, एल लॉपिटल लगा के इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर दोबारा से ओमेगा को ज़ीरो पुट करेंगे। अच्छा, जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये कॉस बन जाएगा, ये डिफरेंशिएट होकर ख़त्म हो जाएगा यानी कि वन आ जाएगा। तो कॉस ऑफ ज़ीरो वन होता है तो ये खाली बच जाएगा टू, और ये दोनों चूँकि ओमेगा को ज़ीरो और ज़ीरो पुट करने पर एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरोज़ हो जाएंगी तो ये माइनस वन माइनस वन, एंड इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये टू माइनस टू बन के कैंसिल आउट होकर ख़त्म होकर ज़ीरो दे देगा, ठीक है। सो ये आप लोग की जो पूरी की पूरी टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी बिकॉज जी ऑफ ज़ीरो आप लोग का ज़ीरो निकल रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ीरो ही निकलता है, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली जे ऑफ जे ओमेगा ओवर जे ओमेगा के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये मेरा रिजल्टेंट सिग्नल था टू साइन ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा। और आगे मैंने ये क्या किया हुआ है, ये बेसिकली मैंने कॉस बनाने की कोशिश की हुई है क्योंकि यहाँ से कॉस बन सकता है, ठीक है। ये जो दो ऊपर एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स थे इनके मैंने माइनस साइन कॉमन आउट बाहर ले लिया है, एक टू कम था तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू करके मैंने इसको कॉस बना दिया, और ये वही वन ओवर जे ओमेगा है जो कि यहाँ से आ रहा था ये वाला, ठीक है।
और वो मल्टीप्लाई करा दिया तो फाइनली वी गॉट दिस आंसर. और क्या आंसर निकला? 2 साइन ऑफ ओमेगा ओवर जे ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 कॉज ऑफ ओमेगा ओवर जे ओमेगा. एंड दिस इज माय फाइनल आंसर. यानी कि ये वो आंसर है जो कि आपके जो शुरू में क्वेश्चन स्लोप का था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है. अगर आपको वैसे निकालना पड़े तो आप लोग बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर नंबर 10. ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई सा भी स्लोप दी जा सकती है. बिकॉज वी एक्सपेक्ट दिस थिंग कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया गया था. सो यू हैव प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन और आप लोगों को पता है कि इसको किस तरीके से करना है. लिहाजा स्लोप की शक्ल कुछ भी हो सकती है, इम्पल्सिस की शक्ल भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस आप लोगों ने एग्जैक्टली यही लगाना है. सो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप लोग के ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, वहाँ से आप लोग यू कैन कंसल्ट योर टीचर्स. चलें जी, आज के लिए इतना ही है. अब हम चलेंगे अपने अगले लेक्चर की तरफ. चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.